यूपी में जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। यूपी की जनता ने बीजेपी को बंपर जनादेश दिया है और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के हाथों में सरकार की बागडोर आ गई है। मोदी योगी की जोड़ी के सामने समाजवादी पार्टी की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यूपी में बीजेपी का बड़ा चुनावी मंत्र भी डबल इंजन की सरकार का ही था। मोदी और योगी की जोड़ी एक और 11 साबित हुई। मोदी योगी के चेहरे के आगे अखिलेश यादव कहीं से कोई चुनौती पेश करते नहीं दिखे। गुरुवार शाम जब सीएम आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी समर्थकों ने मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चार राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज
आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले दो तीन दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।